लाइटिंग ही लाइटिंग लग रहा है यार, बहुत ही खूबसूरत। तो भाई मुझे भी देखने मिल गया ये लाइटिंग के साथ, एक जबरदस्त व्यू दूं आप लोगों को इस रोड का। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज है हम अपने जमशेदपुर सिटी में, और जमशेदपुर हमारा पूरी अच्छी तरह से सज के तैयार हो चुकी है, और 3 मार्च आने वाली है, यानी कि जमशेदपुर का फाउंडेशन डे है। और देख सकते हैं हमारे अगल बगल रोड के पूरे लाइटिंग ही लाइटिंग है, और ये सामने पूरा खूबसूरत नज़ारा, वाकई में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर चौक चौराहे को पूरी अच्छी तरह सजाई गई है। गाइस आप देख सकते हैं जुबली पार्क हमारा पूरा सज के तैयार हो चुका है, और खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा अंदर जाने मिलता है मज़ा आता। तो गाइस ये रोड के किनारे का नज़ारा आप देख सकते हैं, लाइटिंग वाह क्या ही खूबसूरत है भाई। अपना जमशेदपुर में अलग ही लेवल का मज़ा है यार, प्राउड फील होता है ये सब जब समय आता है ना, तो हमारे जमशेदपुर टाटा का नाम है यार, क्या ही बताऊँ। गाइस अभी सड और राजीव पार्क हम पार कर रहे हैं, और ये इसके पहले आप लोग वीडियो में देखे होंगे। तो अभी हमें तो भाई मेन अपना जमशेदपुर सिटी में जितना लाइटिंग है हो सके उतना कवर करेंगे। गाइस देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, वाह मज़ा आ जा रहा है। लाइटिंग ही लाइटिंग, लाइटिंग ही लाइटिंग यार, चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग, और नाइट में इतना भीड़ नहीं रहता था यार। अभी लोग निकले अपने घर से लाइटिंग देखने के लिए खास करके। गाइस क्या ही सजा हुआ है यार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। और अभी हमें JRD टाटा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ठीक नया सामने एक पार्क बना है जो कि बहुत ही खूबसूरत बना है, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। और 3 मार्च को जब हमारा जुबली पार्क ओपन होगा ना, तब आपको अलग ही लेवल का मज़ा मिलेगा। और हम आ चुके हैं ये छोटा सा नया सा पार्क जिसका नाम है कोरोना वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर यानी कोरोना पर ये पार्क बना गया है, क्योंकि 2 साल से हमारे देश के लोग और अदर भी कंट्री के लोग झेल चुके हैं कोरोना को लेकर, लेकिन ये जो अभी पार्क बना है ना बहुत ही खूबसूरत बना है, और इसका लाइटिंग आप देख सकते हैं एक व्यू पॉइंट बन चुका है जमशेदपुर का यार, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर डॉक्टर, सिक्योरिटी और पुलिस वाले बहुत सब चीज़ें यहाँ पर बनाए हुए हैं, और सब ने सबकी ज़िंदगी को बचाया है, इसलिए उन लोगों के ऊपर ये समर्पित है, बहुत ही खूबसूरत है। और लोग यहाँ पर भीड़ तो भाई लगाएंगे ही, क्योंकि नया नया पार्क बना है, रोड हमारी सजी पड़ी है एकदम खूबसूरत से। तो भाई मुझे भी देखने मिल गया ये लाइटिंग के साथ में, मैंने दिन में इसे बनते हुए देखा था, अभी भी फिलहाल काम चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 3 मार्च में 2-4 दिन बाकी है यार, तो वेट कर लेते हैं। अभी तो फिलहाल कुछ ही हद तक सजी है, बाद में सजेगी यार, बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाली है हमारी जमशेदपुर। और ये हमारा ग्लव्स खुल चुका है। तो गाइस ये जो कोरोना वॉरियर्स पर पार्क बना है ना, आप लोग कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट में बता देना। और अभी तो लाइटिंग वाइटिंग का काम चल रहा है, पूरी अच्छे तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, आगे देखने को मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया मज़ा आएगा, चलिए चलते आगे हम। गाइस यहाँ पर लोग रुक रुक के इस पार्क को देख रहे हैं, क्योंकि एक अलग ही लेवल का पार्क बना है यार, छोटा सा पार्क है लेकिन बहुत ही प्यारा है, और लोग तो फ़ोटो के सेल्फी के दीवाने हैं, तो उन लोगों को पॉइंट चाहिए, और ये मस्त पॉइंट बन चुका है, और इस तरह का रास्ता भी बंद कर दिया गया, काम चल ही रहा है यहाँ पर। तो गाइस चलिए अब चलते हैं हम लोग, वैसे तो मुझे घर जाना है, तो घर जाते समय जो जो रास्ते मुझे दिखती है मैं आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा। गाइस 3 मार्च जो है ना अपना इस बार ना बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला, और हर साल से इस बार लाइटिंग जो है ना बहुत ज़्यादा लगी है, और बीच चौराहे पर तो आप देख सकते चौराहों पर क्या गजब तरह से लाइटिंग की है, मज़ा आ रहा है देख के, एक अलग ही रात को घूमने का जो मज़ा है ना बहुत ही अलग ही मिल रहा है, और मुझे मन नहीं कर रहा कि मैं इसे छोड़ के जाऊँ। तो फिलहाल तो भाई हम इधर से निकलते हैं, लाइट देख सकते हैं चौक चौराहे पर किस तरह से लाइटिंग की है, और ये रास्ते को तो वाह भाई वाह क्या खूबसूरत सजाया गया है भाई, मज़ा आ जा रहा है, वाह दिल जीत लेगा भाई, वाह लाइटिंग वाह 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 मज़ा आ जा रहा है। गाइस अभी हम निकले हैं साक्षी साहब, अब हम जाएंगे बिष्टुपुर की ओर, और ये बिष्टुपुर वाला रोड है हमारा, भाई वाह भाई हम आ चुके हैं बिष्टुपुर, और देख सकते हैं ये बिष्टुपुर हमारा खूबसूरत सा, वाह पूरा जगमगा रहा है भाई लाइटिंग से, वाह क्या ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। ये आप देख सकते हैं वाह जैसे लग रहा है सितारे हमारे जमीन पर आ चुके हैं यार, बहुत ही खूबसूरत। और
इधर पोस्ट ऑफिस एरिया, ये भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हर चौक चौराहे पर इस तरह से लाइटिंग की गई है और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है यार, मज़ा आ जा रही है देख के। तो चलिए हम थोड़ा TMH की ओर चलते हैं, आप लोगों को आगे का भी नज़ारा दिखा दें। सारे जगह पर घूमना ज़रूरी है यार, ऐसा चीज़ बहुत कम ही देखने को मिलता है, ऐसी लाइटिंग 3rd मार्च पर ही देखने को मिलेगा, नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे पूरे शहर में ऐसे लाइटिंग नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा जमशेदपुर बहुत ही ज़बरदस्त सज पड़ा है भाई, मज़ा आ जा रहा है। वाह भाई वाह, ये देखिए वाह, लाइटिंग क्या ही गजब, खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और गाइस अभी हम TMH वाले रास्ते में हैं और इस रास्ते को खूब अच्छे तरह से सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैंने बताया जैसे कि चौक चौराहे पर तो लाइटिंग आप देख सकते हैं, अलग ही लेवल का मज़ा दे रहा है। गाइस आज बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया यार नाइट में घूमने का, क्योंकि इस तरह का जो लाइटिंग है ना यार, दिल को जीत ले रही है और बहुत ही खूबसूरत है। अब फिलहाल मैं अभी पहुंच चुका हूँ कदमा और मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। और इधर भी बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है और अभी भी काम चल ही रहा है इस रास्ते पर। गाइस आप देख सकते हैं दोनों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग, ज़बरदस्त लाइटिंग है यार, मज़ा आ जाएगा। मुझे तो मन ही नहीं कर रहा है यार मैं रिटर्न भी जाऊँ। जिस तरह की सजावट है, जिस तरह से डेकोरेशन किया गया है पूरे लोकेशन को, पूरे रास्ते को, मज़ा आ जा रहा है। 3rd मार्च स्पेशल है यार हमारे जमशेदपुर के लिए, बहुत ही स्पेशल। ये नज़ारा, ये मौसम, शाम के इस ठंडे ठंडे हवाओं के बीच में ये लाइटिंग, प्यारा सा खूबसूरत सा, हमारे मन को अलग ही लेवल का खुशी दे रही है यार, बहुत मज़ा आया गाइस और बहुत ही खूबसूरत है, क्या ही बताऊँ आप लोगों को, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी रास्ता, कोई भी चौक चौराहा बचा नहीं है लाइटिंग से, देख सकते हैं पूरी गजब लाइटिंग की है, पूरी गजब, क्या ही लाइटिंग है यार, क्या ही ज़बरदस्त, वाह मज़ा आ गया। गाइस काफ़ी लेट हो चुकी है यार, चलिए अब घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और गाइस कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर।